जनता पार्टी उस ताकत से डर रही है कि आज जो बच्चा 1 साल का 2 साल का 3 साल का है, 25 साल बाद वो नौजवान बन के खड़ा हो दिल्ली का, दिल्ली की युवा शक्ति बन के खड़ा हो, तो उसकी इनकम सिंगापुर के में बैठे हुए उसके नौजवान की इनकम के बराबर होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, यहाँ से एक विधायक गुलाब सिंह के नेतृत्व में, कई और साथी गुजरात में जाके जब चुनाव प्रचार करते हैं और ये कहते हैं देखो दिल्ली में इतना शानदार काम हो रहा है, तो गुजरात के लोग भी उस पर यकीन करते हैं और उम्मीद जागती है गुजरात के लोगों में कि भारतीय जनता पार्टी इतने दिनों से जो ड्रामा कर रही है लोकतंत्र का, डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट का, उसकी जगह अब हमको केजरीवाल मॉडल चाहिए। और सूरत के लोग आके वोट लगा देते हैं कि हमको भी केजरीवाल मॉडल चाहिए। वो कानून केवल दिल्ली सरकार की ताकत को रोकने का कानून नहीं है, वो इस बात को रोकने का भी कानून है कि केजरीवाल जी का जो मॉडल है गवर्नेंस का, वो गुजरात में आगे ना बढ़ पाए, वो उत्तराखंड में आगे ना बढ़ पाए, वो पंजाब में आगे ना बढ़ पाए, वो उत्तर प्रदेश में आगे ना बढ़ पाए। आप सबसे बात करके, आप सबसे प्यार आशीर्वाद लेके, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में दिल्ली विधानसभा में ऐतिहासिक देशभक्ति बजट पास हुआ, हुआ कि नहीं? ये कानून उस देशभक्ति बजट के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी जो कानून लेके आ रही है वो देशभक्ति के खिलाफ। ये कानून नहीं चाहता, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि दिल्ली में 2047 में केजरीवाल जी इस तरह से काम करते रहे कि 2047 में ओलंपिक खेल करा लिए जाए दिल्ली में। ये नहीं चाहते कि 2047 में, अभी बजट में मैंने कहा कि सपना देखो 2047 में, हम तो बता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, हम तो जिंदा भी होंगे कि क्या होंगे पता नहीं, लेकिन आज जो बच्चा पैदा हो रहा है वो 25 साल बाद नौजवान बन के देश में खड़ा होगा, दिल्ली में खड़ा होगा। हमने कहा सपना देखो और उस पर काम करना शुरू करते हैं कि आज जो बच्चा 1 साल का 2 साल का 3 साल का है, 25 साल बाद वो नौजवान बन के खड़ा हो दिल्ली का, दिल्ली की युवा शक्ति बन के खड़ा हो, तो उसकी इनकम सिंगापुर के में बैठे हुए उसके नौजवान की इनकम के बराबर होनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि आज से 25 साल बाद भी सिंगापुर जैसी इनकम हमारे नौजवानों की हो। ये इसके खिलाफ कानून लेके आए, ये जो कानून लेके आए हैं ये नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ने आगे, ये नहीं चाहते हैं कि हमारे अस्पताल ठीक से काम करें। जो महिलाओं के लिए आज इतने साल हो गए, 75 साल हो गए देश की आजादी, 75 साल में महिलाओं को अलग से मोहल्ला क्लिनिक बनाने का कहीं नहीं सोचा गया, कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाने का नहीं सोचा गया। केजरीवाल जी सोचते हैं कि महिलाओं के लिए अलग से मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाए, ये जो कानून ला रहे हैं ये महिला मोहल्ला क्लिनिक को रुकवाने का कानून है, क्योंकि इनको पता है कि केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अगर केजरीवाल जी ने कहा है कि महिलाओं के लिए 100 अलग से क्लिनिक बनेंगे तो ये करके दिखाएंगे। इन्होंने कहा है कि 2047 में ओलंपिक दिल्ली में होंगे तो ये करके दिखाएंगे। इन्होंने कहा है कि 2047 में हर एक नौजवान की आय, उसकी इनकम सिंगापुर के नौजवान के इनकम के बराबर होनी चाहिए, तो ये करके दिखाएंगे। ये कानून भारतीय जनता पार्टी इसलिए लाई है क्योंकि केजरीवाल जी फैसला लेते रहे, इनके मंत्री फैसला लेते रहे, तो निश्चित रूप से चीजें आगे बढ़ जाएंगी। इसको रोकना है, इसको ये रोकना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे आगे पढ़े, ये नहीं चाहते कि हमारे यहाँ नौजवानों को रोजगार मिले, क्योंकि बच्चे अगर पढ़ गए और नौजवानों को रोजगार मिल गया तो इनके घन चक्कर बनाने के चक्कर में कोई नहीं आएगा। बीजेपी नहीं चाहती है कि हमारे बच्चे पढ़े, बीजेपी नहीं चाहती है कि हम अपने अस्पताल ऐसे करें कि वहां पे हर आदमी का इलाज हो सके, बीजेपी नहीं चाहती है। आपको पता है कितनी महंगी बिजली है पूरे राज्यों में, जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हर एक राज्य में दिल्ली से कम 5-5, 6-6 गुना महंगी बिजली है, कम से कम 5-5, 6-6 गुना। बीजेपी इस बात से दुखी है क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की जनता पूछने लगी है, गुजरात की जनता पूछने लगी है कि भाई केजरीवाल जी अगर दिल्ली में बिजली के बिल 0 कर सकते हैं और दिल्ली की 80% जनता को बिजली 0
आती है तो गुजरात में क्यों नहीं मिल सकती, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मिल सकती, उत्तराखंड में क्यों नहीं मिल सकती, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां क्यों नहीं मिल सकती। और इसी बात को पूछते हुए आज गुजरात में भी बटन दब रहा है झाड़ू पे, उत्तर प्रदेश में भी दबेगा, उत्तराखंड में भी दबेगा, पंजाब में भी दबेगा, हिमाचल में भी दबा, बेंगलोर में भी दब रहा है, जहां भी आप जा रहे हो वहां पे दब रहा है। ये इसको रोकना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि बिजली महंगी होती रहे, पानी महंगा होता रहे, स्कूल महंगे होते रहे, अस्पताल महंगे होते रहे, और आम आदमी इनके सामने भीख मांगने के लिए खड़ा रहे कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं कैसे, मैं इलाज कैसे कराऊं, मैं रोजगार कैसे लूं। इसलिए बिल्कुल नहीं चाहते हैं साथियों कि किसी भी कीमत पर दिल्ली सरकार आगे काम करे। इसको ये मत देखिए, कई लोग इसको करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इसको बस केजरीवाल जी की लड़ाई बना दिया जाए। ये लड़ाई केजरीवाल जी की नहीं है, ये आम दिल्ली वाले की लड़ाई है, ये आम हिंदुस्तानी की लड़ाई है। आम हिंदुस्तानी के हाथ कमजोर किए जा रहे हैं कि जब वो बटन दबा के आए वोट पे, वो सरकार चुन के आए तो उसकी चुनी हुई सरकार कुछ ना कर सके और एलजी साहब 6-6 महीने तक फाइल लेके बैठे रहे, ये इसके लिए किए जा रहे हैं। आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।